जो मैसेजेस का चक्कर है ना कि मैसेजेस कैसे आते हैं और वो मैसेजेस बनाए कैसे जाते हैं, एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि उससे भी आपको अंदाजा हो जाए कि मैसेजेस आप बना भी सकते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले शाहजेब खान ज़ादा के शो में हामिद मीर साहब ने एक नया इंकशाफ किया है कि उन्होंने आयशा गुलालई साहिबा जो है उनके फ़ोन के अंदर इमरान खान साहब के फेक जो मैसेजेस हैं जो जिनका इशू चल रहा है वो उन्होंने देखे हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि फेक मैसेजेस जनरेट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है किसी भी फ़ोन के अंदर, खासतौर पर आईफोन और एंड्रॉयड जो फ़ोन हैं उनके अंदर ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं जो आप किसी के भी नंबर से खुद अपने मैसेजेस के अंदर फेक मैसेज जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका डेमो देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। ये फेक टेक्स्ट मैसेज के नाम से एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके आप वो मैसेज जनरेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको डेमो दूंगा। मैंने एक फेक अकाउंट जो है वो इमरान खान के नाम से बनाया है। इसमें देखें अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं, इसमें लास्ट मैसेज जो है वो मंडे 19 दिसंबर का। मैं 20 दिसंबर का मैसेज जनरेट करूँगा और वो इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन खोली है, यहाँ पे वो नंबर पेस्ट किया और इधर मैंने दिसंबर 20th का एक मैसेज जनरेट करूँगा अभी, आयशा गुल आ लाई फेक। ये मैंने अभी मैसेज जनरेट किया है, ये वहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब ये मैंने मैसेजेस में गया हूँ और मैं बैक डेट्स में जाऊँगा तो आप देखेंगे ट्यूसडे 20 2016 का आयशा गुल अलाई का मैसेज जनरेट हो चुका है। ये जो इशू है इसका अगर हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो, लेकिन बगैर किसी एविडेंस के आप किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं बगैर किसी सबूत के, जो कि आजकल इजीली आप फेक इस तरह के मैसेज जनरेट कर सकते हैं, ये कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है हमारी नज़र के।